नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। जब हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो हमारे पास ऐसा नज़र आएगा। इसमें हम ऊपर जो कोने में तीन बिंदु नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जब हम तीन बिंदु को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन नज़र आएंगे। इसके बाद हमें सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जब हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा ये पेज नज़र आएगा। इसके बाद हमें अबाउट क्रोम में जाना है और इसको टच करना है। जब हम इसको टच करेंगे तो हमारा गूगल क्रोम अपडेट हो जाएगा। मेरा पहले से अपडेट है इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे अपडेट करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना होगा। जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये ऐसा नज़र आएगा। इसमें हम जो इसके लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर तीन बिंदु नज़र आ रहे हैं वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। इसमें हम सेटिंग को क्लिक करेंगे। जब हम सेटिंग को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन होगा। अब इसमें इसके अंदर हम अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरा अपडेट होना शुरू हो गया है। ऐसे ही अपडेट हो जाएगा ये, और जब ये एक बार अपडेट हो जाएगा तो इसको हम रिस्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर अपडेट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट हो चुका है। अब हम इसको दोबारा कैंसिल करेंगे और रिस्टार्ट करेंगे। तो इस तरह हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एज और अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।